जबानों पर आत्मा जागी चित्रा त्रिपाठी की, तो मैं उनको धन्यवाद कहना चाहूंगा। आप भी धन्यवाद कह दीजिएगा। कभी कभी हो सकता है आत्मा जाग जाती हो केवल इसलिए कि शायद कुछ लोग उनसे सवाल करते हो, और सोशल मीडिया पर जिस तरह से बिल्किस बानो के समर्थन में लोग मोदी से या चित्रा त्रिपाठी की अदावत कहीं गुजरा सरकार से, या चित्रा त्रिपाठी का एक चेहरा ये भी सामने आए कि बिल्किस बानो के लिए वो जागी तो सही। बोलूंगा कि चित्रा त्रिपाठी थैंक यू वेरी मच, एक औरत होने के नाते आपकी आत्मा जाग गई और रोने वाली रूबी का ले आकर बस रोती रह गई, लेकिन आपने जो बोला दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा, आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए आपके बीच में एक बार फिर। जी हां, बिल्किस बानो के बारे में जो मुहिम सोशल मीडिया पर यूट्यूब चैनल्स ने छेड़ रखी है वो वाकई में इस कदर तेजी के साथ जो है वायरल होने लगी, इस कदर गोदी मीडिया पर सवाल उठाने लगी, इस कदर चित्रा त्रिपाठी को मतलब शर्मिंदा कर गई कि चित्रा त्रिपाठी भी जो थी बेहाल बेचैन बेपरेशान हो गई। जी हाँ, चित्रा त्रिपाठी को भी बिल्किस बानो के बारे में वो रिपोर्ट डालनी पड़ी जो रिपोर्ट बहुत पहले डाल देनी चाहिए थी, उसी पहले दिन डाल देनी चाहिए थी 15 अगस्त वाले दिन, जिस दिन तिरंगा दिवस मनाया जा रहा था, तिरंगे का अपमान किया जा रहा था उन 11 बलात्कारियों को छोड़ने के बाद। लेकिन देर से जागा, लेकिन सही जागा चित्रा, थैंक यू। वैसे तो आपका मुंह बहुत चढ़ा रहता है, आपको कांग्रेस या विपक्ष के लोग ये कहते हैं कि आप हमेशा गोदी मीडिया की मतलब मोदी जी की तारीफ करती रहती हो, मोदी जी के खिलाफ कोई वीडियो या कुछ नहीं डालते। लेकिन गुजरात सरकार की किरकिरी जिस तरह से हो रही है, मोदी जी की नहीं हो रही है, गुजरात सरकार की किरकिरी हो रही है, इसीलिए चित्रा त्रिपाठी को बीच बचाव में आना पड़ा। चित्रा त्रिपाठी ने एक वीडियो डाला जो वीडियो अच्छा खासा वायरल भी हो रहा है। चित्रा त्रिपाठी जो है सीधे सीधे सवाल बिल्किस बानो के उन बयानों पर उठा रही हैं, लेकिन मैं बोलूँगा कि चित्रा त्रिपाठी थैंक यू वेरी मच, एक औरत होने के नाते आपकी आत्मा जाग गई और रोने वाली रूबी का ले आकर बस रोती रह गई, लेकिन आपने जो बोला वो वाकई में बहुत अच्छा था, शब्दों को तोल करके बोला, क्योंकि आप एक प्रोफेशनल पत्रकार हो। हम जैसे यूट्यूबर इतने प्रोफेशनल पत्रकार नहीं हैं जो किसी भी चीज़ को सनसनी बना दें शब्दों के द्वारा, किसी भी चीज़ को जो है खोखला बना दें। लेकिन जो चित्रा त्रिपाठी बोली, चित्रा त्रिपाठी क्या बोली, उनके शब्दों पर गौर कीजिएगा आज। चित्रा त्रिपाठी की बगावत कहें मोदी से, या चित्रा त्रिपाठी की अदावत कहें गुजरात सरकार से, या चित्रा त्रिपाठी का एक चेहरा ये भी सामने आए कि बिल्किस बानो के लिए वो जागी तो सही, लेकिन देर से जागी। चित्रा त्रिपाठी ने क्या कहा अपने आज तक के डिजिटल ब्लॉग में, जरा ये सुन लीजिएगा। पार्श्व में उनकी आवाज है और साथ में वो महिमा मंडित लोग हैं जिनको महिमा मंडित किया गया। जाकी पाओ न फटी बीवाई, वो क्या जाने पीर पराई। तुलसीदास की लिखी हुई ये पंक्तियां हैं तो तीखी, मगर दर्द को समझने और समझाने के सिद्धांत का सबसे सटीक मूल्यांकन है। अब आप सोच रहे होंगे कि आज शुरुआत में ये तीखी बात क्यों। ये बात इसलिए क्योंकि गुजरात के गोधरा दंगों की एक पीड़ित बिल्किस बानो के दर्द को शायद सिस्टम समझ नहीं सका। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। साल 2002 में तब 21 साल की 5 महीने की गर्भवती बिल्किस के साथ 11 लोगों ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। मासूम बच्ची समेत परिवार के 7 लोगों को इन लोगों ने मौत के घाट उतार दिया था। मुकदमा चला और फिर जनवरी 2008 में इन 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा हुई, जिसे मई 2017 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी बरकरार रखा। अप्रैल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को यह आदेश दिया कि बिल्किस बानो को 50 लाख रुपए बतौर मुआवजा दे, लेकिन बीते 15 अगस्त को इन सभी लोगों की सजा को माफ कर दिया गया। और यहीं से सवाल उठता है कि क्या रेप जैसे घिनौने अपराध की सजा माफ हो सकती है, क्या रेप करने वालों को माफ किया जा सकता है, और माफ कर देने से उनका गुनाह और जिस पर बीती है उसका दर्द
दोनों क्या मोक्ष पालेंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। यह वो गुनाह है जिसकी माफी नहीं हो सकती है, मगर सिस्टम ने इन 11 लोगों को माफ कर दिया है। ठीक है, नियम के मुताबिक ऐसा संभव है, कानून के हिसाब से माफी मिल सकती है, मगर रेप के ऐसे दोषियों की माफी और रिहाई का ऐसा प्रदर्शन आपने पहले कभी देखा नहीं होगा। इन्हें रिहाई के बाद माला पहनाकर इनका स्वागत हो रहा है, मिठाई खिलाई जा रही है, माथे पर तिलक लगाया जा रहा है, लोग पैर छूकर इनका आशीर्वाद ले रहे हैं। आखिर कौन है ये लोग? क्या ये कोई संत महात्मा है, महापुरुष है? कौन है ये जिन्हें इस तरह से माला पहनाई जा रही है, मिठाई खिलाकर इनके पैर छुए जा रहे हैं? ये लोग रेपिस्ट हैं। अदालत ने इन्हें एक महिला के साथ गैंगरेप और हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई, लेकिन इस तरह का महिमा मंडन ये तो हद है। अब बिल्किस बानो के नजरिए से इस पूरे प्रकरण को समझिए। बिल्किस हैरान भी हैं और परेशान भी। वो कहती हैं कि मैंने अपने देश की उच्चतम अदालतों पर भरोसा किया, व्यवस्था पर भरोसा किया, और धीरे धीरे दुख के साथ जीना सीख रही थी। इन दोषियों की रिहाई ने मेरा सुकून छीन लिया है और न्याय पर मेरा भरोसा भी डिगा है। बिल्किस के पति कहते हैं कि वो खौफ में हैं। इन लोगों की रिहाई से उन्हें डर लग रहा है। इनका डर वाजिब है, वाजिब इस लिहाज से कि जो हम सोच भी नहीं सकते वो इन्होंने झेला है। न्याय अपना काम करता है, न्याय ने अपना काम किया और दोषियों को सजा सुनाई, मगर यह फैसला बिल्किस बानो जैसे पीड़ितों के दर्द पर नमक रगड़ गया है। मुझे इस वक्त याद तो फूलन देवी की भी आ रही है कि कैसे समाज और सिस्टम से लड़ते हुए 15 साल की फूलन ने बीहड़ों को अपना ठिकाना बना लिया था, लेकिन फूलन ने विद्रोह से जंग लड़ी थी और बिल्किस बानो ने कानून से। खैर, वोट लगाते का यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाइएगा। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक डिजिटल। नमस्कार। देश है मेरा हिंदुस्तान, देश पर मेरी जान कुर्बान, वीरों की वीरता को मेरा सलाम। बात गौरव की, सिर्फ आज तक डिजिटल पर। ये आपने सुन लिया होगा दोस्तों, 4 मिनट का ये वीडियो आपने सुना होगा बहुत शांतिपूर्वक, और शांतिपूर्वक सुनने के बाद आप इन चीजों पर फैसला कीजिए कि चित्रा त्रिपाठी को क्या ये बात पहले दिन नहीं बोलनी चाहिए थी। आज तक की मीडिया ओम अंजना ओम कश्यप या और किसी को नहीं बोलनी चाहिए थी, सुधीर तिहाड़ी को नहीं बोलनी चाहिए थी। सुधीर तिहाड़ी के आज तक पर फिर से जहरीले और फेक खबर वाले बयान आने शुरू हो गए, लेकिन खबरें इतनी हो जाती हैं क्योंकि कोई ना कोई रोज ड्रामा प्रधानमंत्री मोदी जी खड़ा कर देते हैं। कोई ना कोई नया बयान आ जाता है, कोई ना कोई सोशल मीडिया पर उनका ऐसा वीडियो आ जाता है जिस पर काउंटर अटैक के लिए हम जैसे यूट्यूबर्स को वीडियो बनाने पड़ते हैं। खबरों को आपके सामने लाना, सच्ची खबरों को आपके सामने लेके आना हमारी मजबूरी है। हम कोई फेक खबर अपने चैनल के द्वारा नहीं डालना चाहते। अपना आक्रोश व्यक्त करते हैं तो जनता का आक्रोश व्यक्त करते हैं, वो फेक आक्रोश नहीं होता। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से बिल्किस बानो पर आत्मा जागी चित्रा त्रिपाठी की, तो मैं उनको धन्यवाद कहना चाहूंगा। आप भी धन्यवाद कह दीजिएगा। कभी कभी हो सकता है आत्मा जाग जाती हो, आत्मा जाग जाती हूँ केवल इसलिए कि शायद कुछ लोग उनसे सवाल करते हों। और सोशल मीडिया पर जिस तरह से बिल्किस बानो के समर्थन में लोग एकजुट हुए हैं, उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए गोदी मीडिया को भी मजबूर कर दिया कि बिल्किस बानो के जिन बलात्कारियों को रिहा किया गया वो अपने आप में खुद एक सवाल बन गया।
ये कामयाबी चित्रा त्रिपाठी की नहीं है, कामयाबी सोशल मीडिया के उन सारे यूट्यूबर्स की है जिन्होंने बिल्किस बानो के समर्थन में सारे वीडियो बनाए। मैं सबको बधाई देना चाहूँगा कि कम से कम सोशल मीडिया वो ताकत है, यूट्यूब वो ताकत है जो इस सरकार के उस गोदी मीडिया के तंत्र को हिलाने में कामयाब है और सवाल पूछने में कामयाब है कि मजबूरी में आकर के गोदी मीडिया को कम से कम बिल्किस बानो के बारे में सवाल करने पड़े। वो बात अलग है कि आज बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, बहुत सारे सुपरहिट गाने आए जिनके बारे में खबर 24 पर आप मेरे कुछ खबरों को देख पाएंगे। खबर 24x7 ये मेरा दूसरा चैनल है दोस्तों, उस चैनल पर कांग्रेस की खबरें हुआ करेंगी और इस चैनल पर जनता से जुड़ी हुई खबरें हुआ करेंगी। कोई भी खबर वहां पर अब कॉपी या पेस्ट नहीं की जाएगी, इसलिए खबर 24x7 को आप सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहां इस चैनल पर जो न्यूज़ें पढ़ने वाली हैं कुछ धमाकेदार पढ़ने वाली हैं, फेक न्यूज़ ना होंगे लेकिन खबरों से परेशान हो जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के सरकारी तंत्र के वो लोग जो देश में हो रही बेईमानी को छुपाना चाहते हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।